तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लान के, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल भी देखा होगा और उसी के अकॉर्डिंग इस मॉडल को डिजाइन किया है। बहुत ही बेहतरीन प्लान है, 35x30 में 35x30 फिट में बना हुआ है। और अगर हम साइड की बात करें तो ये साइड से क्लोज्ड है, सिर्फ आपका फ्रंट से ही ओपन है। तो फ्रंट से बहुत ही खूबसूरत मॉडल, मैंने कलर कॉम्बिनेशन वगैरह जो दिए हैं विंडो के वो आप देख भी रहे होंगे, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा होगा। अगर हम टॉप से देखें, ऊपर से देखें, तो ऊपर भी आपको ये मकान ऐसा दिखेगा, ऊपर गुमटी भी बनी हुई है और साथ साथ मैंने एक डोर भी दे दिया है जिससे आप छत पर आएंगे। और फ्रंट की ग्रिल वगैरह, रेलिंग, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो आज का मॉडल कुछ खास हट के मैंने बनाया है, काफ़ी दिनों बाद में दोस्तों वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप लोगों का प्यार है जो मुझे लगातार सपोर्ट करता है। तो आपसे गुजारिश फिर से करते हैं कि आप हमारे चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन मॉडल देखने को मिलते हैं। लगातार मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि आपको लो बजट और बेहतरीन मॉडल देने की कोशिश करूँ। और तो आज इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट ज़रूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और इस प्लान को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नॉमिनल सी फीस दे करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का ये मॉडल बहुत ही खूबसूरत देख रहे होंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने डिज़ाइन करने की कोशिश की है। तो अब हम इसी को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये दोस्तों पूरा इसका ग्राउंड फ्लोर है। अभी मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, सिर्फ आप सब्र रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कि स्टेयर्स हैं और यहाँ पर मैंने कुछ ग्रीन एरिया छोड़ रखा है, लगभग 1 से 1.5 फीट का इसमें आप अपने प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। और स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे, ये आपको 2 पिलर हैं, तो जैसे आप अंदर जाते हैं तो ये आपको एक बारंदा मिलता है। और ये देखिए बारंदे की जो हाइट है वो लगभग आपका कुछ नीचे 2 फीट से बना हुआ है ना। और ये एक विंडो है, यहाँ पर मैंने डोर दिया है, इस विंडो पर विंडो फ्रेम जैसे आप अंदर जाते हैं। तो अब मैं टॉप से आपको दिखाता हूँ इस मॉडल को। तो ये आपको पूरा एक बारंदे का डिज़ाइन है, बारंदा लगभग काफ़ी बड़ा है आपका, कुल मिलाकर 30 फीट में अप्रॉक्स 12 फीट का ये रूम मैंने क्रिएट किया। बाद बाकी पूरा लंबा सा बारंदा देखने को मिलेगा। इसको मैंने 2 साइड बाउंड्री वॉल से कवर किया है। और ये देखिएगा कलर कॉम्बिनेशन के और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये मैंने कुछ यहाँ पर वेंटिलेटर टाइप के लगा रखे हैं। तो ये देखिए अब हम बात करते हैं इसके मेन डोर की। तो ये इसका मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे। और मेन डोर के दोनों तरफ मैंने विंडो दिया है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। और इसके बाद जैसे बारंदे से जाते हैं तो बारंदे के लिए गेस्ट रूम जो मैंने क्रिएट किया है, इस गेस्ट रूम में जाने के लिए मैंने बारंदे से ही डोर दिया है। तो आप अंदर जाएंगे तो आप इस बारंदे में आ जाएंगे। और इस बारंदे से दोस्तों एक्सेस करने के लिए ये एक लेट बाथ मैंने और दिया है। अगर आप अपने गेस्ट रूम में लेट बाथ रखना चाहते हैं अटैच, तो यहाँ पर डोर रखवाना होगा। हालांकि मैं डोर यहाँ पर रखना भूल गया हूँ, तो आप यहाँ पर डोर रखवा कर ये लेट बाथ एक्सेस कर पाएंगे इस वाले बेडरूम से, है ना। फिर मेन डोर से जैसे अंदर जाते हैं तो ये आपको सबसे पहले मिल जाती है स्टेयर्स, टर्न होकर वापस आएंगे। इसी स्टेयर्स को इधर मैंने एक विंडो भी दिया, इससे प्रॉपर आपका वेंटिलेशन और होता रहे। और इसके बाद ये आपका छोटा सा आंगन है हालांकि। और इसके बाद ये एक और बेडरूम मिलता है, देख सकते हैं, इसलिए डोर यहाँ से दिया है। इसका ये दोस्तों किचन एरिया है बड़ा सा, और ये आपका फिर से बेडरूम है। और ये एक और लेट बाथ मैंने क्रिएट किया जो कि कॉमन लेट बाथ है, सभी लोग इस्तेमाल करेंगे। एक गेस्ट रूम के साथ अटैच लेट एंड बाथ है और एक कॉमन है। और अगर आप चाहते हैं तो अपने स्टेयर्स के नीचे स्टोर रूम वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पर्याप्त स्पेस होगा। तो 3 बेडरूम है, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर और एक फ्रंट में। और इन दोनों बेडरूम्स के बीच में आपका किचन बना दिया है मैंने। और ये देखिए 2 लेट एंड बाथ है, एक कॉमन, एक अटैच और ये बारंदा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत प्लान। और दोस्तों अगर आप इस मॉडल को डाउनलोड करना चाहते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके नॉमिनल सी फी पे करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको 2D प्लान मिलेगा, रूम के साइज़ क्या है, बारंदे का साइज़ क्या है, डोर का साइज़ क्या है, सब कुछ इस 2D प्लान में मिलेगा। और पिलर कहाँ कहाँ पर बनाने होंगे वो भी आपको एक जिप फाइल मिलेगी। जब आप पेमेंट करेंगे आपको जिप फाइल डाउनलोड होगी, उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल ये आपको मिल जाएगा। हमारी नॉमिनल सी फी पे करनी होगी दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों आप फर्स्ट फ्लोर पर मैं आ चुका हूँ। देखिए स्टेयर्स जो थी ना उसको ढकने के लिए गुमटी बनाई है और इसी डोर से आप ऊपर आएंगे। तो ये पूरा आपका सेपरेट छत हो जाता है जिसे रूम बोल सकते हैं। और ये आपकी बेहतरीन सी यहाँ पर ग्रिल मैंने बना रखी है। ग्रिल का देखिए डिजाइन कितना यूनिक और बेहतरीन बनाने की मैंने कोशिश की है। बीच पे आपका
ये स्टील का भी आप बनवा सकते हैं, जिसका भी चाहें उसका बनवा सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन सा मॉडल और इसका ग्रिल वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फट क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको जिप फाइल मिलेगी, एक्सट्रैक्ट करके 2D प्लान, रूम का साइज, कॉलम कहाँ पर बनेगा वगैरह वगैरह सब कुछ डिटेल वहाँ पर मिल जाती है। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर हमें पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टेक्ट करिएगा, डिस्क्रिप्शन हमारा व्हाट्सअप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।